हरिद्वार में गंदगी के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ गई है। हरिद्वार के मेयर के पति और कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने अधिकारियों पर बात न मानने और सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए खुद ही नाले में उतरकर सफाई की थी। इसका जवाब देते हुए बीजेपी के नेताओं ने प्रेस क्लब हरिद्वार में पत्रकार वार्ता की थी। वहीं अब खुद ही मेयर अनीता शर्मा मैदान में उतर चुकी हैं। आज हरिद्वार में हर की पौड़ी क्षेत्र में उन्होंने सफाई का मोर्चा संभालते हुए कार्य किया। आप देख ही रहे हैं, 4-5 महीने हो गए हैं हमें जीते हुए। सफाई व्यवस्था में वैसी की वैसी हो रखी है। और ये देखो आप, मैं तो देख रही हूँ रोज पेपर में कि यहाँ भी गंदगी हो रही, वहाँ भी गंदगी हो रही। इसलिए मुझे सड़क पैर उतरना पड़ा है, क्योंकि जब तक मैं नहीं आगे चलूँगी तो कौन चलेगा साथ में? जनता मेरे साथ है। वैसे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ, वो भी तो शहर मंत्री हैं, अपनी शहर की सुरक्षा तो करनी चाहिए उनको। शहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मेयर के सिर पे कहते हैं कि मेयर नहीं करने देती सफाई। अरे मेयर तो खुद झाड़ू लेके खड़ी है, आप देख ही रहे हो सब। अब ये मेयर तो जहाँ भी जाएगी झाड़ू लेके जाएगी और सफाई करके रहेगी। अपना हरिद्वार कितना अच्छा है, उसको गंदगी से भर रखा है। मैं चाहूँगी हरिद्वार हमारा साफ होना चाहिए।